आदरणीय मुख्य भारतीय अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित सभाजन, मैं शीतल देवी दसवीं कक्षा की छात्रा आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ चंद बातें कहना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलू के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5.5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे और फांसी चढ़ जाते थे, वह भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना स्वाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र में लिख कर भेजा करती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज आदेश मर जाने को नहीं कहता, आदेश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव जब तिरंगे बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्तिष्क को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, न मस्तिष्क को जानते हैं न शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों